सारे टीचर्स एक बार लाइव आएंगे ना, सब लाइव आ जाइए। विक्रम सर आप आगे आ जाओगे, स्टार्ट कर। देखिएगा भाइयों बहनों, हम एसीपी ऑफिस गए। एसीपी ऑफिस में जाने के बाद हमारे जो रिस्पांस मिला, हम परमिशन के लेने के लिए भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी परमिशन के लिए हम वहां पर गए। उन्होंने बोला कि परमिशन तो हम आपको नहीं देने वाले। हमने बोला कि सर ऐसा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे बच्चे गिर रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, सड़क बहुत गर्म है, ऊपर से धूप बहुत ज्यादा तेज है। हमने कहा कि एक सर पे जरा हल्का सा टेंट लगाने के लिए और एक स्पीकर की व्यवस्था, क्योंकि बच्चे चिल्ला चिल्ला कर गला होर्स हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि कोई परमिशन हमें नहीं, हम नहीं देने वाले। जब हमने एसीपी की तरफ गए तो एसीपी जी का जो व्यवहार आया हमारी तरफ, वो बड़ा थोड़ा सा इंडिफरेंट सा, उदासीन सा था। उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये मेरे हाथ में नहीं, आप डीसीपी ऑफिस जाएं। तो हम डीसीपी ऑफिस जो कि हौज खास गए। हौज खास में जाने के बाद हमें ये पता लगा कि जो डीसीपी है वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, वो वहां पर एबसेंट थे, या तो वो राउंड पर थे या वो नहीं थे। हमें बताया गया कि वो यहाँ नहीं है, आपका काम आज नहीं हो पाएगा। और ये बताया गया कि आपको अगर परमिशन किसी भी तरीके की चाहिए तो आप मंडे को आइए। तो मेरा एक सवाल है कि हम परमिशन के लिए बार बार डिमांड कर रहे हैं, हमारे पास लिखित में सारी की सारी, हमारे साइन भी है, हमारे पास एप्लीकेशन भी है। अगर परमिशन अथॉरिटीज दे नहीं रही हैं और उस परमिशन के की कमी में अगर इन बच्चों के ऊपर या यहाँ सारे उपस्थित लोगों के ऊपर कोई भी पुलिस कार्रवाई होती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा और पुलिस प्रशासन ही जिम्मेवार होगा और सरकार जिम्मेवार होगी इसके लिए। क्यों? क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से, ये वो एप्लीकेशन है जो हम लेकर गए जिस पर बच्चों के साइन है, ये भी खोल दो। लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये सारा का सारा जो मिशन चल रहा है, ये लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। हम परमिशन लेने के लिए गए, थोड़ा फैल जाओ सर, थोड़ा फैल जाओ, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, जैसे कि आप जानते हैं। यहाँ पे आ जाओ। इस पीसफुल प्रोटेस्ट को परमिशन नहीं दी गई और हमें ये कहा गया दो चार पुलिस वालों के द्वारा कि आपकी परमिशन खत्म हो चुकी है, आपकी मांगे मान ली गई है, जो कि सच नहीं है। आप लोग भी जानते हैं जो घर बैठे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, हमारी मांगे मान ली गई है। इसलिए हमारा जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी जारी है, जिसके लिए मैं एक ही बात चाहता हूँ कि प्रशासन की जिम्मेवारी बनेगी और पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करता है या लाठीचार्ज होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, सरकार उसकी जिम्मेवारी ले। देखो सर लोग वगैरह जो थे और बहुत सारे ये गए डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस, घूमते रहे, परमिशन नहीं मिली है। हमारा कहना ये है कि सारे बच्चे हाथ जोड़ के बैठे हुए, सबको पहले से ये बोला भी हुआ है और बहुत दिनों से ये कर भी रहे हैं, बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट है। अगर आज रात में किसी भी तरीके की कोई भी लाठी चार्ज होता है या पुलिस इन्हें उठा के फेंकती है तो सर पूरा देश इस चीज को देखना चाहिए। ये सारी की सारी वीडियो बहुत सारी लाइव होनी चाहिए। हमने परमिशन मांगनी चाहिए। हम फिर से एक बार दोबारा प्रयास कर रहे हैं परमिशन का। हम यहाँ पे बैठे बैठे हमें परमिशन मिल जानी चाहिए। अगर किसी भी तरह का किसी स्टूडेंट पे कोई भी खरोच आती है तो पूरा देश देख रहा है। अगर हमें गोली भी मारी गई बच्चे तब भी हाथ जोड़ के रहेंगे, लेकिन ये देश देखिएगा कि किस दिशा में जाएगा। अगर निहत्ते बच्चों पे रात को कोई भी गलत हरकत की गई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीमार हैं, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया है, तो आप इस चीज का डिसीजन खुद लीजिएगा। क्योंकि हमने इन बच्चों को यही कहा है कि मार खा लीजिएगा लेकिन ऑफ नहीं करिएगा, किसी भी तरीके से आपकी तरफ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग जो जो फेसबुक पे इस समय लाइव हैं, ये सारे सारे टीचर्स हैं जितने खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे शेयर भी करें। दूसरी चीज, आप लोग अपने कमेंट जरूर दें उस पे कि अगर बच्चों के साथ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगी। हम सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सभी टीचर कि इन बच्चों का मान सम्मान बनाए रखिए। और जो स्कैम है वो केवल एक एग्जाम पे नहीं है, पूरे एसएससी बोर्ड में स्कैम है, एमटीएस से लेके हमने सारी चीजें दी है, आगे भी दे रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पुलिस चार्ज बच्चों पे नहीं होना चाहिए। और कल आप लोग घर पे नहीं बैठेंगे, आपको यहाँ आना पड़ेगा, टीचर नहीं आएगा, आपको ही आना पड़ेगा। और आपका ही प्रोटेस्ट है, आपके लिए ही मांग रहे हैं, नौकरी लेके तनख्वाह आप लेंगे, कोई और नहीं लेने वाला। यहाँ जो 200 बच्चे बैठे हुए हैं, 300 बच्चे बैठे हुए हैं, सर इन्हीं को नौकरी नहीं मिलनी, आप सबको नौकरी मिलनी है। आप रिजाई में बैठ के फेसबुक लाइव देख रहे हैं, कौन सा आके आपको, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का, आप क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। बच्चे इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन करें, अरे आप नहीं आ सकते दिल्ली, जहां है वहीं प्रोटेस्ट करिए। और ये टीचर्स जो है वो आपके मार्गदर्शक है, लेकिन मार्गदर्शन बहुत पॉजिटिव है टीचर का,
कि कोई हाथ उठाए, आप हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, किसी तरीके का वॉयलेंस नहीं करेंगे। टीचर फिर से जा रहे हैं बच्चों के लिए कि परमिशन मिले, नहीं मिलती है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम पे बच्चों पे जो हाथ उठाया जाएगा उसका जवाब काल देगा, काल वक्त देगा इन सरकारों को। इसलिए आप सब आइए, इन बच्चों की सपोर्ट करिए। बहुत बड़ा आंदोलन है, घर पे बैठने से आंदोलन नहीं होने वाला। और ये दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे जो फेसबुक पे बैठे हुए, बेटा फेसबुक से बाहर आइए और आइए और अभी टीचरों की बातें सुनिए। कई मीडिया चैनल्स ये अफवाह फैला रही है कि बच्चों की मांगे मान ली गई है, ये गलत है और ये गलत है। अभी किसी की कोई मांग नहीं मांगी गई है, अभी सिर्फ मीठी हवाएं उड़ाई जा रही है, मीठी गोलियां दी जा रही है, ऐसी किसी की कोई मांगे नहीं मांगी गई है। बच्चों अपने घर से यहाँ पर आओ, हम सब साथ लड़ेंगे, हम सब साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी डिमांड सिर्फ और सिर्फ सीबीआई है, उससे कम का कुछ भी नहीं है। जो भी एक फर्जी नोटिस दे करके हमें डिमोटिवेट करने का टारगेट किया गया था। एक सेकंड के लिए, अभी करीबन 500 बच्चे एक साथ आए हैं, ये बच्चे कहाँ से एकजुट होकर आ रहे हैं इस आंदोलन के लिए? देखिए बच्चे तो निकल रहे हैं, आप लोग रोते रहिए, घर पे बैठ के फेसबुक लाइव खेलते रहिए, बच्चों का आंदोलन वही है, आपको ही लड़ना है। तो आइए, बच्चे आ रहे हैं यार। हम यहाँ पर आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन बच्चों के साथ उनके माँ बाप गार्जियन जरूर आए। उसका कारण है क्योंकि सभी को पता है कि बच्चे का जन्म दो बार होता है, नंबर एक जब उसे माँ जन्म देती है और नंबर दो जब वो नौकरी पाता है। और जब आप उनके माँ बाप हमारे साथ सभी के साथ खड़े हो जाएंगे और ये तो एक तहलका मच जाएगा, एक क्रांति आ जाएगी। और ये लड़ाई सिर्फ सीजीएल मेंस की नहीं है, ये एसएससी में जितने भी एग्जाम है, एमटीएस, एलडीसी, उन सब की लड़ाई है और सबको आना है। 2 करोड़ लोग एसएससी के एग्जाम देते हैं पूरे साल में और हम चाहेंगे कि कम से कम 10 लाख लोग तो यहाँ पहुंचे। बोर्ड के खिलाफ हम ये बात आपकी, एसएससी को अगर को लग रहा है कि केवल एसएससी की नहीं, उन सब सिस्टम के खिलाफ है जो एग्जाम करने को रहता है। और दूसरा ये मुहिम है, यदि ये सक्सेसफुल होती है तो आगे हम और पे भी कार्यवाही करेंगे। और दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसको प्लीज एक बार ध्यान से पढ़ लो, वो एक मीठा लड्डू है, उसके लिए था ही नहीं जो कुछ है। उन्होंने 21 का कैंसिल करने के, वो पहले से ही कैंसिल है, उसका प्रूफ कोई था ही नहीं, तो उसके लड़ाई ही नहीं है। नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें, मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो इसके एक सिंपल लॉलीपॉप बोलेंगे। जिन पे लड़ाई थी वही वो उसको दिखा रहे हैं। जिन बच्चों का 9 तारीख का मेंस का पेपर है वो बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कुछ बच्चे अभी भी अगर अपने घर पर बैठे उस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखना बच्चों वो पेपर भी कैंसिल होगा। जितनी भीड़ आपकी यहाँ होगी, आपकी मांगे सटीक तरीके से मानी जाएंगी। आप यहाँ आए, आज नहीं कल, जितना जल्दी हो सके, आपकी संख्या जितनी ज्यादा होगी आंदोलन उतना जल्दी सक्सेसफुल होगा। अभी मेट्रो ओपन हुई थी, जस्ट 2 बजे तक या 3 बजे तक मेट्रो रोकी हुई थी, जैसे ही मेट्रो ओपन हुई है 500 से 1000 बच्चा सडनली यहाँ है। चल रही है, दोबारा देख लो, उसका 500 से 1000 बच्चा आ चुका है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, गार्जियंस के सर गार्जियंस का आना स्टार्ट हो गया है। ये गार्जियंस बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल एक सेकंड के लिए सर, ये बोलना चाह रहे हैं, ये देखिए इनका कोई एसएससी से लेना देना नहीं है, इन्होंने देखा है कि बच्चे किस तरह से परेशान है, अपने साथ ही गाड़ी में खाना भी लेके आए बच्चों के लिए। बस मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाह रहा हूँ, अगर मेरे या हम सब जितने ही फेसबुक पे लाइव चल रहे हैं, अगर आपका कोई यार दोस्त कोई डॉक्टर हो तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, 2 घंटे के लिए टाइम निकाल ले और इस आंदोलन का हिस्सा बने। कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है, अगर आप में से कोई आना चाहता हो, कोई भी डॉक्टर, तो हम उसका वेलकम करेंगे। प्लीज डॉक्टर की रिक्वेस्ट है, कोई केमिस्ट्री शॉप नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सुनिए हम सब दर्जन जाते हैं आप लोगों के लिए। मैं आपको यहाँ से एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि संसार का कुछ तरीका ऐसा हो गया है कि कोई चीज आपको मांगने से नहीं मिलने वाली, आपको छीननी पड़ेगी। आप अपनी सही बात के लिए अड़े रहिए, कामयाबी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, अगर हर गार्जियन इसको प्लीज सारे आ जाओ भाई, सारे करें, शेयर करें। और गर्ल्स प्लीज, गर्ल्स भी यहाँ है, सेफ्टी का इशू तो वैसे ही नहीं है, पुलिस इतनी सारी है, कोई भी इशू सारे भाई हैं, प्लीज देखें गर्ल्स, अगर गर्ल्स मोटिवेटेड हैं तो प्लीज देखें। सुबह भी इंटरव्यू में भी हर न्यूज में आप देख रहे होंगे गर्ल्स इंटरव्यू दे रही हैं, तो प्लीज गर्ल्स का जरूर साथ रहे। भाई आज यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं आप लोगों के लिए, बस आइए, खाना पीना सब यहाँ पे आपको मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, आपका सपोर्ट चाहिए सकते हैं आप पहुँचिए। थैंक यू, प्लीज शेयर करें भाई, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, थैंक यू, और वायरल करें इसको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लो भाई आओ सभी, कर लेना, फिनिश करो।
तो ये वीडियो अब समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।